एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ कॉमन सेंस। मैं हूं आपके साथ रजत सेठी, जो कि कॉमन सेंस का आज का एपिसोड लेकर आया हूं आपके लिए बड़ी ब्राह्मणा में लगे एक मेले से। जी हां, बड़ी ब्राह्मणा में एक मेला लगा है, बहुत मशहूर मेला, काफी लोग वहां पर आए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना वहां पर जाके हम लोगों की कॉमन सेंस चेक करें। आज हम यहां पर लोगों की कॉमन सेंस चेक करेंगे, कुछ आसान से कॉमन सेंस वाले सवाल उनसे पूछेंगे। पर प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले आपको दिखाते हैं हम आज का हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट। जी हां, इंटरेस्टिंग फैक्ट जब आप देखेंगे तो आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं जरूर बढ़ेगी। तो देखिए आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। दोस्तों, ये तो था हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि जब हम पैदा होते हैं तब हमारी 300 हड्डियां होती हैं, पर जब हम बड़े हो जाते हैं तब 206 हड्डियां ही सिर्फ बचती हैं। उम्मीद करते हैं इस फैक्ट से आपको नॉलेज कहीं ना कहीं जरूर मिली होगी। करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की शुरुआत। हमारे आज के प्रोग्राम जो हमारा पहला सवाल है वो ये है कि अगर एक व्हाइट बोर्ड पर लाइन खींची है, उस लाइन को हम बिना छुए बिना मिटाए छोटा कैसे करेंगे। ये कॉमन सेंस वाला सवाल है। यहाँ पर मेले में आए कुछ लोगों से हम ये सवाल पूछेंगे और देखेंगे कि कितने लोगों में कॉमन सेंस है। तो आ जाए, नाम बता दे सर अपना। हनी सिंह। हनी सिंह को? हाँ जी। हनी सिंह मतलब सिंगर को देख के नाम रखा अपना? नहीं नहीं, हमारा है। पहले के नाम? हाँ, पहले के। कॉमन सेंस है हनी सिंह जी आप में? हाँ, बहुत ज्यादा। कितनी ज्यादा है? बहुत ज्यादा। कितनी ज्यादा? बहुत ज्यादा। कॉमन सेंस है आप में? हाँ। किसने बता दिया? मेरे अंदर है, मुझे पता है। अंदर कहाँ पे छुपी हुई है? अभी निकालेंगे। निकालोगे? हाँ। कॉमन सेंस है आप में? हाँ। कॉमन सेंस है बिल्कुल सब कुछ। बहुत ज्यादा है? हाँ। कॉमन सेंस है आप में? जीरो। जीरो है? चलो एक सवाल पूछने वाला हूँ सर। एक व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे एक लाइन खींची हुई है, उस लाइन को आपने हाथ में नहीं लगाना, मिटाना भी नहीं है, लाइन को छोटा कैसे करोगे? छोटा कैसे करेंगे? कटीरो हाथ में नहीं लगाना, मिटाना भी नहीं है, तो मिट जाएगी अपने आप ही। जब साइन निकलेगी तो मिट जाएगी। क्या निकलेगी? आप बताओ ना, क्या बोलो ना, मतलब बताओ। व्हाइट बोर्ड पे लाइन खींची हुई है, अच्छा, उस लाइन को आपने हाथ में नहीं लगाना, मिटाना भी नहीं है, उस लाइन को छोटा कैसे करोगे? व्हाइट बोर्ड पे एक लाइन खींची है, किसकी खींची है वो? मार्कर से एक लाइन खींची हुई है, उस लाइन को आपने मिटाना भी नहीं है, छोटा भी नहीं करना। वो लाइन परमानेंट है कि टेम्परेरी है? टेम्परेरी है। अच्छा, टेम्परेरी किस चीज की है? कौन से कलर की है? ब्लैक कलर की। अच्छा, ब्लैक कलर की है। उसको आपने किसका है? लकड़ी का? व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर का बोर्ड है। आहो यार, कौन है? लकड़ी का या और कपड़े का? लकड़ी का। लकड़ी का? अच्छा, उसी तो है। नाम बताए सर अपना। अश्विन। कहाँ के रहने वाले हो? छन्नी हिम्मत जम्मू। छन्नी के रहने वाले। कॉमन सेंस है आप में? हाँ, थोड़ी बहुत ही है। थोड़ी बहुत ही मतलब? बिल्कुल पूरी है। स्टूडेंट पूरी कॉमन सेंस है। स्टूडेंट? कौन सी क्लास में पढ़ते? स्टैंडर्ड 11th में। 11th में पढ़ते, मतलब कॉमन सेंस है आप में? मान जाए आपकी बात। एक सवाल पूछूंगा मैं कॉमन सेंस वाला, थोड़ा इजी पूछना। इजी है, कॉमन सेंस वाला सवाल है, दिमाग लगाओगे जवाब दे दोगे। चलो ठीक है। बताओ सर, एक व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे एक लाइन खींची हुई है, ठीक है, ब्लैक मार्कर से एक लाइन खींची हुई है, उस लाइन को आपने टच भी नहीं करना, मिटाना भी नहीं है, उस लाइन को छोटा कैसे करोगे? मिटाना भी नहीं है। मिटाना भी नहीं है, टच भी नहीं करना लाइन को? डस्टर से। मिटाना नहीं ना, छोटा कैसे करना है? मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, आसान है भाई, तू बता दे। वो भाई बाद में बताएगा, आप पहले बताओ ना। भाई मिटाना भी नहीं है, टच भी नहीं करना है, फिर तो मुश्किल है। उस लाइन को ना टच करना है ना मिटाना है, छोटा कैसे करोगे उस लाइन को? छोटा कैसे करूंगा? बोर्ड काट दूंगा भैया सेंटर में से। काटना भी नहीं है ना बोर्ड? काटना भी नहीं है, लाइन छोटी करनी कैसे है? करेंगे यार छोटा? आप बताए सर। वही व्हाइट मार्कर से छोटा कर देंगे, उसी पे फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या मतलब, पूरा एक्सप्लेन करो ना। मैं टच नहीं ना कर रहा, थ्रो भी नहीं करना सर। एक मार्कर लेना जो चलता नहीं, उसी को उस लाइन पे फिर से करोगे, ड्रॉ करोगे, वो लाइन छोटी हो जाएगी। नहीं सर, गलत बोल रहे हैं आप। करीब पहुंच गए थोड़ा, पर सही जवाब नहीं दे पा रहे। उल्टा करके मार्कर चला रहे, छोटा हो जाएगी यार लाइन। नाम बताए सर अपना। सौरभ अग्रवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ। अच्छा सर, कॉमन सेंस है आप में? बिल्कुल है। कैसे बताऊंगा? हर आदमी में होता है। होती हर आदमी में, पर यूज हर आदमी नहीं ना करता। नहीं, हर आदमी यूज करता है। आप करते हो यूज? बिल्कुल। कितनी बार करते हो दिन में? हर टाइम। मेरा नाम सर सामलाल है। कहाँ जा रहे हो? बस आप घर जा रहा हूँ। कॉमन सेंस है आप में? या घर पे रख के आए हो? वो सर
फिलहाल तो साथ साथ ही है, साथ साथ ही है। चलो एक सवाल पूछूंगा कॉमन सेंस का, बोलिए सर। एक व्हाइट बोर्ड पर अगर एक लाइन खींची हुई है, उस लाइन को हमने छूना भी नहीं है, मिटाना भी नहीं है, उस लाइन को छोटा कैसे करोगे? फूक मार के। फूक कैसे मारोगे? ऐसा क्या होता है फूक में? फूक में थोड़े दम होना चाहिए। आपकी फूक में इतना दम है कि लाइन मिट जाती है? मिट जाती है। कहाँ के रहने वाले हो सर? फिलहाल तो मैं पीछे से पठानकोट का हूँ, फिलहाल तिली बस्ती में रहता हूँ। बड़ी प्रॉब्लम। ऐसी फूक मतलब कोई शक्ति है आप? वैसे शक्ति तो नहीं है, लेकिन फिलहाल कोशिश कर सकता हूँ फूक से लाइन मिटाने की। एक व्हाइट बोर्ड पर एक लाइन खींची हुई है ब्लैक मार्कर से, उस लाइन को हमने छूना भी नहीं है, मिटाना भी नहीं है, छोटा कैसे करोगे उस लाइन को? छोटा करने की जरूरत है सर? जरूरत है ना सर? वजह? जरूरत हम करवा रहे। छोटा हमें छोटी लाइन करनी है, उसको कैसे करेंगे? बस समझ लीजिएगा। और क्या? कैसे समझ लें? वो सेंस इसको बोलते हैं, कॉमन सेंस है। नहीं नहीं सर, ऐसे छोड़ना होता है। हम रहे ना, कैसे करेंगे छोटा उसको? छोटा हाथ टच भी नहीं करना हमने उसको। टच भी नहीं करना, मिटाना भी नहीं है। ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक, व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक लेना ना। अभी बता दीजिए सर, अभी हम तो बाद में बताएंगे। आप बताएं मैम। मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। तक्षण आपको, आपको बचाए ना कोई, आपको है कोई आइडिया बचा? नहीं। आपको कोई आइडिया? व्हाइट बोर्ड पे अगर लाइन खींची हुई है, नहीं नहीं कोई आइडिया नहीं है। चलिए इनको कोई आइडिया नहीं है, किसी और के पास चलते। उसको हाथ भी नहीं लगाना, और क्या करना है? मिटाना भी नहीं है लाइन को, हाथ भी नहीं लगाना, छोटा कैसे करोगे उसको? उसको छोटा करना है, बिल्कुल मिटाना है। नहीं नहीं, छोटा करना है। छोटा करना है, वो तो नहीं हो सकता है, छोटा तो नहीं हो सकता है। नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं हो जाएगा, मैं आपको इतना बता रहा हूँ, कैसे होगा वो आप बताओ। नहीं, अगर हाथ भी नहीं लगाना छूना भी, छोटा कैसे करेंगे लाइन को? बिना हाथ लगाए छोटा नहीं हो सकता। बिना हाथ लगाए नहीं हो सकता आपके हिसाब से सर? हाँ जी, बिना हाथ लगाए छोटी हो सकती है लाइन? बिना हाथ लगाए हुए कैसे छोटा होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए इनके हिसाब से बिना हाथ लगाए लाइन छोटी हो ही नहीं सकती, किसी और से बात करते हैं। नाम बता दें मैम अपना। हाँ जी, नेहा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम दिल्ली सतवारी के। कॉमन सेंस है आप में? हाँ जी, थोड़ी वो तो है। की बात है ना? कच्ची। क्यों? क्यों आप पूछोगे तो बताऊंगी ना। चलो मैं सवाल पूछूंगा एक, आप कॉमन सेंस वाला। हाँ जी बताइए मैम, एक व्हाइट बोर्ड पे एक ब्लैक मार्कर से लाइन खींची हुई है, उस लाइन को आपने टच भी नहीं करना, मिटाना भी नहीं है, उस लाइन को छोटा कैसे करोगे? छोटा कैसे करेंगे? छोटा करना है, छोटा कैसे करोगे लाइन को? हाथ लगाए बिना। हाथ लगाए बिना लाइन को? हाथ लगाए। टंग से करेंगे अभी? टंग से? टंग से क्यों? मिटाना भी नहीं है लाइन को? मिटाना भी नहीं है, छोटा कैसे करना है यार? ये तो बहुत मुश्किल से बात आप बोल रहे हैं, कॉमन सेंस है ये? कॉमन सेंस ही तो है, आप में कॉमन सेंस करोगी तो आप जवाब दे दोगे ना? आप बोल सकते हो? नहीं है कॉमन सेंस? नहीं भैया सॉरी। कैसे होगी वो आप बताओ। कुछ पता नहीं भाई, दिमाग लगाओ ना थोड़ा। अभी कॉमन सेंस पूरी थी आप में, मिटाना भी नहीं है तो छोटी करनी है। छोटी करनी है लाइन को? नहीं भाई, भाई आप पीछे छुप रहे हो, आप आगे वहाँ पहले। दो आइडिया बताओ भाई, कैसे होगी? दो आइडिया। नहीं, आइडिया लगाओ ना थोड़ा, कॉमन सेंस वैसे है आप में। हाँ हाँ बिल्कुल। फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे? कुछ और नहीं, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट बाद में पूछेंगे, पहले आप इसका जवाब दो ना। सोच लो, सोचो जितना मर्जी टाइम लो सोचने के लिए भाई। ये तो रीजनिंग हटा दिया आपने, छोटी लाइन, हम लाइन ही छोटी खींचेंगे। नहीं नहीं, लाइन आपने खींची हुई है एक, उस लाइन को आपने टच भी नहीं करना, मिटाना भी नहीं है, छोटी कैसे करोगे उस लाइन को? नो आइडिया। नो आइडिया। आपको आइडिया सर कुछ? नहीं सर, कोई पता नहीं कैसे होगी आपको? नहीं सर, कोई आइडिया नहीं। चलिए इनको कोई आइडिया नहीं कि लाइन छोटी कैसे होगी, बात करते कुछ और लोगों से। सर बताओ, एक व्हाइट बोर्ड है, उसमें लाइन खींची हुई है, उस लाइन को आपने हाथ भी नहीं लगाना, मिटाना भी नहीं है, लाइन छोटी कैसे करोगे? बोर्ड को आधा तोड़ देंगे, छोटी हो जाएगी। बोर्ड को तोड़ना भी नहीं ना, छूना भी नहीं है बोर्ड को आपने। नहीं, नहीं तोड़ने के लिए थोड़ी बोला आपने। लाइन छोटी कैसे करोगे? I don't know. बिना छुए, बिना मिटाए। I don't know. लगाओ ना दिमाग लगाओ। तो बताओ सर, एक व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे एक लाइन खींची हुई है, लाइन को आपने छूना भी नहीं है, मिटाना भी नहीं है, उस लाइन को छोटा कैसे करोगे? छूना भी नहीं, मिटाना भी नहीं, सोचो ना, कॉमन सेंस वाली चीज है, छोटा कैसे करोगे? मिटाए बिना तो छोटा होगा नहीं, हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। कैसे होगा? कैसे होगा भाई, आप अपनी कॉमन सेंस लगाओ ना।
सर पता नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस वाली चीज है यार। अभी आप निकालने वाले थे कॉमन सेंस बाहर। सॉरी सर, नहीं पता, निकल नहीं रही पूरी तरह से। एक लाइन आपने मिटानी है सर, ब्लैक कलर की लाइन पड़ी हुई है बोर्ड। सर मेरी बात सुनो, लाइन को क्यों मिटाना, उसको बोर्ड को चुको। मिटाना है ना सर, कॉमन सेंस तभी तो लगेगी। अब मेरी बात सुनो, लाइन को मिटाने की क्या जरूरत है, हम जिस चीज की प्रॉब्लम आ रही है हम उसको डालेंगे। इनके हिसाब से जिस चीज की प्रॉब्लम आ रही है उसको डालेंगे, लाइन मिटाने की कोई जरूरत ही नहीं है। सर बताइए, एक व्हाइट बोर्ड पे एक लाइन खींची हुई है, उस लाइन को आपने टच भी नहीं करना, मिटाना भी नहीं है, उस लाइन को छोटा कैसे करोगे? उससे एक बड़ी लाइन खींच दीजिए साथ में। हाँ, ये आपकी कॉमन सेंस है। डेफिनेटली हनी सिंह वाला कोई गाना चलाएं, हनी सिंह वाला कोई गाना चलाएं, तब क्या पता चलेगा। उसकी जगह एक और बड़ी लाइन लगा देंगे तो छोटी हो जाएगी। पक्की बात है? पक्की बात। क्या आपका? रोहित मल्होत्रा। आपने कॉमन सेंस लगाई अभी? हाँ। चलिए, रोहित जी ने कॉमन सेंस लगा ली है और इनका कहना है कि उसके साथ में एक और छोटी बड़ी लाइन बना देंगे तो वो लाइन ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी। बात करते हैं कुछ और लोगों से। सर कॉमन सेंस है आप में? बिल्कुल। कितने प्रतिशत? 100 में से लगता तो है 101 है। अच्छा, 100 में से 101 है। मतलब मेरे सवाल का आप गलत जवाब दे ही नहीं सकते? बिल्कुल नहीं। सवाल गलत हो सकता, जवाब नहीं, जवाब गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल। हमसे एक सवाल पूछूंगा मैं। बिल्कुल। एक व्हाइट बोर्ड है सर, उस पर ब्लैक मार्कर से एक लाइन खींची है, ठीक है, उस लाइन को आपने टच भी नहीं करना, मिटाना भी नहीं है, उस लाइन को छोटा कैसे करोगे? लाइन को टच भी नहीं करना और मिटाना भी नहीं है, छोटा कैसे करोगे? लाइन डाल देंगे बड़ी और क्या। बिल्कुल। क्या बोल रहे सर? उससे बड़ी लाइन डाल देंगे, छोटी होगी। आपने कॉमन सेंस नहीं लगाई मेरे, आप टाइम ही नहीं दिया लगाने का, तो देखा छोटा रह गया, आंसर फिर बड़ा मिला। हम मार्कर से उस लाइन, उस एक और लाइन बनाएंगे जो उससे बड़ी होगी। उन्होंने लगा लिए कॉमन सेंस, इनका जवाब जो है वो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, कार्यक्रम के पहले भाग में हमने लोगों से एक आसान सा सवाल पूछा था कि व्हाइट बोर्ड पे अगर एक लाइन खींची हुई है, मार्कर से एक लाइन खींची है, तो उस लाइन को हम बिना टच किए, बिना मिटाए कैसे छोटा कर सकते हैं, जिसका एक बहुत ही आसान सा जवाब था कि अगर हम उसके साथ में ही एक बड़ी लाइन खींच देंगे तो वो लाइन ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी। इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ कॉमन सेंस इस्तेमाल करने की जरूरत थी। और मेरे को उम्मीद है अगर आप घर पर बैठ के हमारा ये शो देख रहे हैं और आप में कॉमन सेंस है तो आपने भी इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया होगा। चलते कार्यक्रम के दूसरे भाग की तरफ। दूसरे भाग में हम एक और आसान सा सवाल लोगों से पूछेंगे कि कुछ महीने होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं, तो 28 दिन कितने महीनों में होते हैं। इस सवाल का जवाब हम यहाँ पर आए कुछ लोगों से ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं कुछ लोगों के पास और देखते हैं कितने लोगों में यहाँ पर कॉमन सेंस है। बड़ी ब्राह्मणा के एक मेले में है जहाँ पर हम लोगों की कॉमन सेंस चेक करने आए, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दें सर आप। मेरा नाम गुरमीत सिंह है। सर कॉमन सेंस है आप में? हाँ जी, हम कोटवा से बिलोंग कर रहे हैं। तो कॉमन सेंस है आप में? हाँ, कहाँ पे कॉमन सेंस है? ये यहाँ पे? यहाँ पे नहीं सर, आप में कॉमन सेंस है। हम में? हाँ, क्यों नहीं है। चलिए एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे कॉमन सेंस वाला। हाँ जी, पूछिए। सर बताइए, कुछ महीने होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, कुछ महीने होते हैं जिनमें 30 दिन होते हैं, 28 दिन कितने महीनों में होते हैं? फरवरी के होते हैं वो। पक्की बात है सर? हाँ। आपके हिसाब से एक ही महीना वो होता है? हाँ जी। नाम बता दे सर अपना। रिंकू। रिंकू नाम है आपका। कॉमन सेंस है आप में? मतलब कॉमन सेंस मतलब सोचने समझने की सेंस होती है ना। हाँ। समझ लेते हो बात। हाँ। आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, सवाल आपने ध्यान से सुनना है फिर जवाब देना उसका। सही। बताओ सर, कुछ महीने होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं, 28 दिन कितने महीनों में होते हैं? एक ही महीने में होता है। कौन सा महीना होता है वो? महीना बताओ ना। एक महीना तो बड़ी जल्दी बोल दिया। मैं 11वां महीना होता शायद। 11वें महीने में 28 दिन होता। हाँ। 11वां कौन सा महीना होता है यार, ये क्या मेरे को मतलब है? 11वां महीना तो नवंबर होता है ना, नवंबर में 28 दिन होते। हाँ, इतनी जानकारी नहीं है ना। अच्छा, नवंबर के बारे में जानकारी नहीं है। महीनों के बारे में ऐसे जानता हूँ वैसे ही। ये बता दो, एक महीना कैसे बोल दिया आपने फिर? 28 का मेरे को मालूम है ना, 28 एक ही महीने में होते हैं और 11वां महीना होता है। हाँ। नवंबर का। हाँ। चलिए, इनके हिसाब से 28 दिन जो होते हैं वो एक ही महीने में होता है, वो 11वां महीना होता है जिसमें 28 दिन होते हैं। आप बात करते हैं कुछ और लोगों से। नाम बताओ सर अपना। आशीष। सर बताओ, कुछ महीने होते हैं जिनमें 31 डेज होते हैं, कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं, 28 दिन कितने महीनों में? पक्की बात है? पक्की बात। मान जाए आपकी बात। आपके हिसाब से सर? सर फरवरी में होते हैं 28 और 29 दिन होते हैं, 4 साल के बाद 29 वाला महीना आता है फरवरी में, और एक ही महीना है फरवरी जिसमें 28 दिन होते हैं।
अच्छा, आपके हिसाब से फरवरी के अलावा और कोई महीना नहीं है ऐसा? मान जाए आपकी बात, आपके हिसाब से पता ही नहीं आपको, कॉमन सेंस नहीं है, पता नहीं सर। चलिए आपके हिसाब से फरवरी में, यस इनके हिसाब से सिर्फ फरवरी ऐसा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं सर, एक कॉमन सेंस वाला सवाल पूछूंगा आपसे। जी जी, चलिए बताइए, कुछ महीने होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं, 28 दिन कितने महीनों में होते हैं? 28 दिन तीन, तीन महीनों में कौन कौन से तीन महीने होते हैं वो बता दो। चलो टू 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 कौन से होते हैं अब ये नहीं पता। ये कैसे मतलब दो कैसे बोल दिए फिर आपने? होते हैं दो ही होते हैं। कैसे कौन से होते हैं दो, वो भी तो बताओ ना। जनवरी फरवरी लगा लो। लगा कैसे लोग ऐसे अपनी मर्जी से लगा। और क्या है आपने, भाई कंपटीशन चल रहा है क्या? कॉमन सेंस चेक कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, कुछ और कुछ और कोई और कुछ और नहीं ना, यही बताओ पहले आप। नहीं कोई और पूछो फिर बताओ इसका तो ना पहले। चलो मैं पूछता हूं आपसे, मेरे से बाद में पूछना, पहले मैं पूछूंगा। नहीं पहले मैं पूछूंगा फरवरी और मार्च। भाई कॉमन सेंस मैं चेक कर रहा हूं आपकी, तो एक मैं भी तो चेक कर सकता हूं। हमारी बात है आप चेक करना, पहले बताओ कौन सा महीना होता है जिसमें जून जुलाई अट्ठाईस दिन होते हैं? हाँ होते हैं। तो ज्यादा नहीं होते? नहीं होते हैं। पक्की बात है? पक्की बात है, पक्की है। ये दिमाग लगा रहा है बंदा, चल रहा ना दोनों मिल बगैर। सवाल पूछने वाला हूँ एक पूछो ही सर। कुछ महीने होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं, 28 दिन कितने महीनों में होते हैं? एक ही महीने में। कौन सा महीना होता है? फरवरी। पक्की बात है? पक्की। फरवरी एक ऐसा महीना होता है जिसमें 28 दिन होते हैं, आपके हिसाब से सर? रविंद्र कुमार मदान, रविंद्र कुमार मदान। 28 दिन कितने महीनों में होते हैं? एक महीना होता है। फरवरी? फरवरी। आपके हिसाब से? फरवरी। ये कॉमन सेंस है आपकी? अपनी तो यही है, अपनी तरफ से यही है। हाँ। चलिए इनके हिसाब से 28 दिन एक ही महीने होते हैं जो फरवरी होने बात करते हैं। नाम बताए सर अपना। मेरा नाम दीपू राणा। कॉमन सेंस है आप में? जी नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ मैं बेशर्म। बेशर्म हो क्या? कॉमन सेंस नहीं होती ना। क्यों क्यों नहीं थी, तभी तो आया मैं इधर देख रहे हैं। नौटंकी नौटंकी जो देखने आते हैं उनमें कॉमन सेंस नहीं होती आपके हिसाब से? और क्या मतलब मैं सवाल पूछूंगा आप उसका जवाब नहीं दे सकते? हाँ दे सकता हूँ थोड़ा 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 थोड़ा। और क्या? चलो एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, बताओ सर कुछ महीने होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं, 28 दिन कितने महीनों में होते हैं? एक दिन में, एक महीने। कौन सा महीना था? फरवरी जरा आने वाला। पक्की बात है? पक्की है, पूरी स्टैंप लगी है हाली। 28 महीने सिर्फ फरवरी में होते हैं? 28 दिन सिर्फ फरवरी में होते हैं? फरवरी में होते हैं। 29 भी होते हैं? 29 भी होते हैं। और क्या? वो कैसे होते हैं? वो जब 4 साल के बाद एक महीना आता है। 4 साल के बाद एक महीना ऐसा आता है जिसमें 29 दिन होते हैं, उसके अलावा नहीं होते? बिल्कुल नहीं, मैं स्टैंप लगी है। सवाल ही नहीं पैदा, सवाल के स्टैंप लगी है। आपने कॉमन सेंस लगाई है? और क्या, सेंस कौन सी लगाई है? ये लिखा हुआ है इतिहास में। इतिहास में लिखा हुआ है? कौन से इतिहास में लिखा है? जम्मू कश्मीर का इतिहास चले गए। कॉमन सेंस आप में है? किसने आज तक बताया किसने आपको? किसी ने नहीं। किसी ने नहीं बताया, फिर भी अपने आप पे कॉन्फिडेंस है? है। चलिए एक सवाल पूछूंगा कॉमन सेंस वाला, बताइए मैम कुछ महीने होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं, 28 दिन कितने महीनों में होते हैं? 28 दिन किसी ने नहीं। किसी में ऐसा कोई नहीं? फरवरी में कभी कदे आते कदे नहीं आते। जी फरवरी में अभी आप बोल रहे थे किसी में भी नहीं होते। फरवरी में आपसे पूछना चाहिए था। हाँ जी बोलो। आपके हिसाब से फरवरी में होते हैं? फरवरी में 28 डेज होते हैं। पक्की बात है? हाँ जी पक्की। कॉमन सेंस है आपके? हाँ, 4 इयर्स के बाद आते हैं 29 डेज। ठीक है ना, 28 दिन होते हैं उसमें? नहीं नहीं, 29 भी डेज आते हैं फरवरी में, 4 साल के बाद आते हैं। हाँ जी। आपके हिसाब से सर? हाँ ठीक है, फरवरी है खाली। फरवरी पक्की बात है? पक्की। कॉमन सेंस है आपकी? हाँ जी हाँ जी, 28 दिन। हाँ जी। कहते हैं कि 4 साल बाद भी कुछ फरवरी में दिन बढ़ते हैं, क्या होता है वो? 29 दिन होते हैं वो। ऐसे 28 होते हैं? ऐसे 28 होते हैं। आपके हिसाब से 28 फरवरी में होते हैं, उसके अलावा किसी में नहीं होते हैं? हाँ। चलिए इनके हिसाब से 28 दिन जो होते हैं वो फरवरी में होते हैं, उसके अलावा किसी से नहीं होते, किसी और से बात करते हैं। कॉमन सेंस है आप में? बिल्कुल है। कितने प्रतिशत? नियरली बेटा समझो 70-30 समझ लीजिएगा। 70-80% है, मान जाए आपकी बात? बिल्कुल मान ली सर। चलिए एक सवाल पूछने वाला कॉमन सेंस का, पूछ लीजिए सर। चलिए बताइए सर कुछ महीने होते हैं जिनमें 30 दिन होते हैं, कुछ महीनों में 31 दिन होते हैं, ऐसे कितने महीने होते हैं जिनमें 28 दिन होते हैं? कितने महीने? साल में एक ही महीना होता है। कौन सा महीना होता है वो? फेब। उसके अलावा कोई महीना नहीं होता? नहीं महीने तो काफी होते हैं, मगर 28 दिन वाला एक ही महीना, एक ही महीना होता है। आपके हिसाब से मैम ऐसे कितने महीने होते हैं जिनमें 28 दिन होते हैं? 28 तो काफी पूरे 31 में टोटल 12 के 12 महीने होते हैं। हैं? 12 के 12 महीने होते हैं 28 तो। अभी आप बोल रहे थे सिर्फ फरवरी में होते हैं। वही ना सेंस, 70-30 का मतलब क्या है कि 30 मतलब है थोड़ा भूल जाते हैं, बाद में याद आता है,
क्या आपने बताया? अच्छा अब याद आ चुका है मेरे को, आ चुका है सर। बताइए कुछ महीने होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं, 28 दिन कितने महीनों में होते हैं? एक महीने में। कौन सा महीना होता है आपके हिसाब से मैम? सारे महीनों में होते हैं। आपने कॉमन सेंस 28 दिन तो सब में होते हैं आपके हिसाब से? सब में होते हैं। आपके हिसाब से सिर्फ एक में होता है सर? नहीं सॉरी आपकी थोड़ी लेट लगी कॉमन सेंस। कुछ महीने होते हैं जिनों में जिनमें 31 दिन होते हैं, कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं, 28 दिन कितने महीनों में होते हैं? एक ही महीने में। कौन सा महीना होता है? पक्की बात है? हाँ जी। उसके अलावा कोई महीना नहीं होता? होता तो सब में है, खाली एक 28 हर महीने में आएगा। आएगा ना? आएगा आएगा। पहले कहाँ थी कॉमन सेंस? नहीं आपने पूछा कि 28, मैंने बोला 28 दिन कितने महीनों में होते हैं? सब में होते हैं। कॉमन सेंस है सर अपने? हाँ बिल्कुल है। किसने बताया आपको? ये तो गॉड गिफ्टेड है, कॉमन सेंस हर में, हर बंदे में है ही है। अच्छा, आप में भी है? हाँ बिल्कुल। इस्तेमाल करते हो आप? इस्तेमाल जितनी कोशिश होती है अपनी तरफ से करते ही है। अपनी तरफ से करते हैं। चलो एक सवाल पूछूंगा कॉमन सेंस वाला। हाँ सर बताइए, कुछ महीने होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं, 28 दिन कितने महीनों में होते हैं? 28 दिन कितने महीनों में होते हैं? सभी में होते हैं। कैसे? 28 दिन तो सभी महीने में, सभी में 28 तो आएंगे आएंगे ना। नाम क्या बताया था सर? विकास सचदेवा। चलिए विकास जी ने अपनी कॉमन सेंस लगाई और इन्होंने बोला है कि 28 दिन जो होते हैं वो हर एक महीने में होते हैं। दोस्तों कार्यक्रम के दूसरे भाग में भी हमने लोगों से एक आसान सा सवाल पूछा था कि कुछ महीने होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं, 28 दिन ऐसे कितने महीने होते हैं जिनमें 28 दिन होते हैं, ये हमने पूछा था लोगों से। पर लोग जो हैं वो अपनी सेंस इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और हमारे सवालों का जो जवाब था वो ये दे रहे थे कि फरवरी सिर्फ एक ऐसा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं, उसके अलावा ऐसा कोई महीना नहीं है जिसमें 28 दिन होते हैं। इस सवाल का जो सही जवाब है वो ये है कि हर एक महीना, जो साल का हर एक महीना है उसमें 28 दिन होते ही होते हैं। हमने सिर्फ ये पूछा था कि ऐसे कितने महीने हैं जिनमें 28 दिन होते हैं। कार्यक्रम के तीसरे भाग की तरफ चलते हैं। तीसरे भाग में हम लोगों से एक टंग ट्विस्टर पूछेंगे, टंग ट्विस्टर लोगों को बोलने के लिए बोलेंगे। टंग ट्विस्टर जो हमारा आज का है वो है शी सीज चीज। जी हाँ, शी सीज चीज 5 बार हम लोगों को बोलने के लिए बोलेंगे। तो आइए चलते हैं लोगों के पास और देखते हैं कितने लोग हैं जो हमारा ये टंग ट्विस्टर बोल पाते हैं। नाम बताओ। प्रणव। प्रणव कौन सी क्लास में हो? 7th। अच्छा, कहते हैं बच्चे जो है ना वो टंग ट्विस्टर अच्छे से बोलते हैं, आप बोल सकते हो? ये क्या कर रहे हो? बोल दिया। ये क्या है? टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्ट कर रहे हो? मैं आपको कुछ बोलूंगा, बोलने के लिए वो बोल पाएंगे 5 बार। बोलूंगा। आपने बोला शी सीज चीज 5 बार। क्या? शी सीज चीज 5 बार। She sees cheese. 5 बार बोल रहे हैं। शी होता ना लड़की वाला शी। हाँ, शी सीज सीज मतलब देखा, चीज हो गया पनीर। शी सीज चीज 5 बार बोला है। शी सीज चीज, शी सीज चीज। गलत हो गया। बीच में फंबलिंग कर दी ना आपने। शी सीज चीज 5 बार। आप बोल के दिखाओ। शी सीज चीज 5 बार। आप बोल के दिखाओ। आप बताओ। पहले आप तोड़ना होता था। आपको आता होगा तो इसलिए हम बोलेंगे फिर। यार मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ, आप करके खाओ। शी सीज चीज बोलो 5 बार। शी सीज चीज, शी सीज चीज 5 बार बोला। शी सीज चीज, शी सीज चीज, शी सीज चीज, शी सीज चीज, शी सीज। गलत हो गया। शी सीज, ट्राई करो मैम हो जाएगा। शी सीज चीज। गलत हो गया। आप बोल सकते हैं सर? सर मैं पूछता हूँ आप। नहीं आप बाद में पूछना सर, पहले आप बोलिए। मैं पूछता हूँ आप। शी सीज चीज बोलिए। मैं पूछता हूँ प्लीज, मैं बाद में बताऊंगा। प्लीज मैं पूछता हूँ। ऊंट ऊंचा प्लीज। नहीं सर सुने। नहीं प्लीज, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पूंछ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। नहीं सर इस वक्त हम पूछ रहे हैं ना। नहीं प्लीज, नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तब आप पूछ लेना। बोल सकते हैं वैसे शी सीज चीज 5 बार। शी सीज चीज, शी सीज चीज 5 बार। नहीं सर सॉरी, नहीं बोल सकते सॉरी। शी सीज चीज 5 बार।
नहीं नहीं ये नहीं बोलना, ये बोलना कच्चा पापड़ पका पापड़, कच्चा पापड़ पका पापड़। हमने आपने बोला टंग ट्विस्टर बोलना है, वो तो बोल टंग ट्विस्टर। हम आपसे पूछेंगे ना क्या बोलना। अच्छा कौन सा बोलना है? हमने बोला शी सीज चीज पांच बार। शी सीज चीज, 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 शी ची। बोलो बोलो, हो गया हो गया हो गया पांच बार। आप बोले सर, पहले बोलो शी सीज चीज पांच बार। शी सीज चीज, शी सीज चीज, शी सीज चीज, शी सीज चीज, शी सीज चीज। गलत हो गया सर, सॉरी सॉरी, फिर से करो ट्राई। शी सीज चीज, शी सीज चीज, शी सीज चीज, शी सीज। गलत हो गया। शी सीज चीज, शी सीज चीज, नहीं ठीक है ठीक है। इट इज ऑल ओके, इट इज ऑल ओके, ऑल ओके। शी सीज चीज, शी सीज चीज, शी सीज चीज, शी सीज चीज, शी चीज, शी सीज 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 चीज। गलत बोल रहे हो, आप बोल सकते हैं मैम। शी सीज चीज, शी सीज चीज, आप बोल सकते मैम। हमने बोला शी सीज चीज पांच बार। शी सीज चीज, शी सीज चीज, शी सीज चीज, शी सीज चीज, शी सीज चीज। बोल दिया आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी ने बोल दिया, आपने नहीं बोला। डिफिकल्ट था थोड़ा मेरे लिए, मम्मी के लिए डिफिकल्ट था। आप नहीं बोल पाए पर तब भी नहीं 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 मैं कमजोर हूँ बोल रहा हूँ इसमें। दोस्तों टंग ट्विस्टर हम लोगों से इसीलिए पूछते हैं ताकि जो उनको फंबलिंग की प्रॉब्लम होती है वो दूर हो सके, वो अच्छे से बात कर पाए और बात करते वक्त वो कभी भी फंबल ना करें। आज के प्रोग्राम में हम आपको लेकर आए थे बड़ी ब्राह्मणा के एक सर्कस में, एक मेले में, जहां पर हमने लोगों की कॉमन सेंस जज करने की कोशिश की। आपको हमने दिखाया कितने लोग हैं जिनमें कॉमन सेंस है और कितने लोग ऐसे भी हैं जो हमारे सवालों को नहीं सुन रहे थे और कॉमन सेंस उनमें नहीं थी। उम्मीद करते हैं आज के प्रोग्राम में आपका एंटरटेनमेंट हुआ होगा, आपने कॉमन सेंस शायद यूज करनी शुरू कर दी हो आज के प्रोग्राम से। इस प्रोग्राम के रिलेटेड अगर हमें सजेशन देना चाहते हैं या लोकेशंस बताना चाहते हैं या तो हमें फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/jkdigitalmedia और व्हाट्सएप नंबर है 8716964444। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कॉमन सेंस के साथ, तब तक के लिए मुझे यानी कि रजत सेठी को और कैमरामैन दीपक कुमार को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।